उल्टा लटकाने की धमकी दे रहे हैं अमित शाह जी, देश की जनता उल्टा लटका देगी, पूरी भाजपा को लटक जाएगी इस बार पूरी भाजपा। आदरणीय लालू प्रसाद जी तेजस्वी जी के इर्द गिर्द घूम रही है देश भर में, कोई काम नहीं आएगा। भगवान राम जब काम में नहीं आए तो पलटू राम भी काम में नहीं आएंगे। भारी कीमत बिहार के में चुकाना पड़ेगा भाजपा को। रैली की सफलता, जनता का विश्वास तेजस्वी जी में निहित हो गया है, हिल चुकी है भाजपा दिल्ली से लेकर पटना तक। जितना गला फाड़ना है फाड़ लीजिए, ये बिहार है, बिहार कर करके जाइए। 24 में पूरी तरह से भाजपा को जमीन पर ला कर करके देश की जनता छोड़ी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार दौरे पर अमित शाह पहुंचे थे, जहां पालीगंज में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया है, लेकिन इस दौरान उनके जवान पर सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार ही रहा, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं मानी जा सकती है। परिवारवाद भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफ अमित शाह पालीगंज से गरज रहे थे, तो दूसरी तरफ रैली के खत्म होने के बाद शक्ति यादव ने मोर्चा संभाला है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब कुछ भी कर लें, लालू और तेजस्वी के आसपास राजनीति को घुमाते रहें, लेकिन 2024 में कहानी खत्म है। राम न बचा सके हैं, अब पलटू राम भी नहीं बचाएंगे। जरा सुनिए शक्ति यादव को। गृह मंत्री अमित शाह जी पालीगंज की सभा में बोल रहे थे, पिछड़ा थे पिछड़ा की बात कर रहे थे। बिहार को हम निराश नहीं किया है, बिहार को बार बार भाजपा ने निराश किया है। 39 सांसद दिया 2019 में एनडीए को, बिहार की जनता ने मिला क्या? जुमला। उल्टा लटकाने की धमकी दे रहे हैं अमित शाह जी, देश की जनता उल्टा लटका देगी, पूरी भाजपा को लटक जाएगी इस बार पूरी भाजपा। आदरणीय लालू प्रसाद जी तेजस्वी जी के इर्द गिर्द घूम रही है देश भर में। पिछले बार चुनाव हुआ विधानसभा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहारी केंद्र रहा, अब तो लालू परिवार और तेजस्वी जी सीधे रहे केंद्र हो गए हैं, क्योंकि चुनौती दे रही है राष्ट्रीय जनता दल भारतीय जनता पार्टी को। चिल्ला चिल्ला करके पार्लियामेंट पार्लियामेंट के बाहर दो ही जाति है, अमीरी या गरीबी, स्मरण करने चले हैं जाति के नाम पर। जाति पार्लियामेंट के अंदर में जाति गिराते हैं मंत्रियों का, कोई काम नहीं आएगा। भगवान राम जब काम में नहीं आए तो पलटू राम भी काम में नहीं आएंगे। भारी कीमत बिहार के में चुकाना पड़ेगा भाजपा को। करवा लीजिएगा सर्वे, जितनी कहर शासन से प्रशासन से सबसे तो ढा ही जा रहा है, लेकिन रैली की सफलता, जनता का विश्वास तेजस्वी जी में निहित हो गया है, हिल चुकी है भाजपा दिल्ली से लेकर पटना तक। जितना गला फाड़ना है फाड़ लीजिए, ये बिहार है, बिहार कर करके जाइए। अब बिहारी माकूल जवाब देना जानता है, जुमला बर्दाश्त करेगा? 10 वर्षों तक देश की जनता को, नौजवान को, युवा को, किसान को, आम आदमी को, सबको ठगा ही भाजपा ने। तो 24 में पूरी तरह से भाजपा को जमीन पर लाकर करके देश की जनता छोड़ी। तो अभी आपने शक्ति यादव को सुना है किस तरीके से वो बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि 2024 में भाजपा को कोई भी बचाने वाली नहीं है, जनता इनको उल्टा टांगने के लिए तैयार है। अमित शाह जिस अंदाज में बोल रहे थे, उसी अंदाज में बिहार की जनता और देश की जनता उनको टांगने के लिए तैयार है और उल्टा टांग कर ही दम लेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 2024 में इनका पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा और लालू यादव के नाम से ही लोगों के अंदर में हड़कंप मचा हुआ है, जैसा कि आपने भी सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।